और इस बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है, करौली हिंसा मामले में बीजेपी ने गठित की है कमेटी। कमेटी हमले और आगजनी मामले की तथ्यात्मक जांच करेगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कमेटी का गठन किया है और जांच के बाद कमेटी प्रदेश अध्यक्ष को रिपोर्ट सौंपेगी। और इस कमेटी में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, राष्ट्रीय मंत्री अलका सिंह गुर्जर, प्रदेश महामंत्री मदन दिलावर, सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया, सांसद जसकौर मीणा, विधायक कन्हैया लाल चौधरी, पूर्व विधायक राम हेत यादव और विधायक रामलाल शर्मा शामिल है। और मेरे सहयोगी विष्णु जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। विष्णु, क्या जानकारी? बिल्कुल मणि, जैसा कि सबको पता है कि कल करौली में जो नव संवत्सर पर रैली निकाली जा रही थी और उस रैली पर जो पथराव हुआ और उसके बाद वहां अगली घटना हुई और इन तमाम बातों को लेकर वहां अभी फिलहाल कर्फ्यू भी लगा हुआ है। ऐसे को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की ओर से कमेटी का गठन किया गया है और ये कमेटी वहां जाएगी और जाकर जो तथ्यात्मक है वहां से हमला किस तरह से हुआ, क्या अगजनी रही और क्या इसमें कौन कौन घायल हुए, कितने क्या हुए, किस पक्ष की गलती थी, क्या थी, खाली तथ्यात्मक रिपोर्ट करके और उसकी जो रिपोर्ट है वो प्रदेश अध्यक्ष को सौंपेगी और उसके बाद राज्यपाल और संबंधित सरकार को भी ज्ञापन दिया जाएगा और लिखा जाएगा कार्रवाई के लिए। क्योंकि जब भी इस तरह की बड़ी घटना होती है तो राजनीतिक दल अपने तरफ से एक कमेटी भेजते हैं, चाहे कोई सा भी राजनीतिक दल हो, तो भाजपा की ओर से इस कमेटी का गठन किया गया और उस कमेटी में जो प्रमुख राजनेता है राजेंद्र राठौड़ है नेता उपनेता प्रतिपक्ष, उनको शामिल किया गया और उनके साथ दो सांसद इस कमेटी में रहेंगे, वही दो विधायक है, एक पूर्व विधायक है। तमाम जो लोग हैं वो पूरी तरीके से अध्ययन करेंगे, वहाँ जो लोग हैं जिन पीड़ित है उन दूसरे जो लोग हैं उनसे बातचीत करेगी कमेटी और बातचीत करने के आधार पर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी। जी मणि, विष्णु ये बताइए कांग्रेस पार्टी की बात कर ली जाए तो इस पूरे मामले को लेकर तो कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर निशाना साध रही है। बिल्कुल मणि, मैं आपको बता दूं जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले भी कहा कि जो भी राजनीतिक दल है वो एक दूसरे पर निशाना साधते हैं और कहते हैं कि ये घटना उनकी वजह से हुई और घटना इधर सरकार ने कोई लापरवाही दिखाई, जहाँ बीजेपी का कहना है वही इनका कहना है कि ये जो घटना है वो बीजेपी के प्रोवेग और उसके जो संगठन है उनकी तरफ से हुई है। तो ऐसे में जो आरोप प्रत्यारोप है और जो अपनी रिपोर्ट ये जो कमेटी है वो सौंपेगी। विष्णु बहुत शुक्रिया आपको तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच हमारे साथ राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर जी जुड़ चुके हैं। अलका जी, आपसे सवाल मेरा ये रहेगा, पार्टी ने यहाँ पर कमेटी गठित की है, तमाम आपकी पार्टी के नेता इसमें शामिल रहेंगे और उसके बाद रिपोर्ट सौंपी जाएगी, ये बताइए कि पहली बात तो कि आप इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे जो पार्टी ने कमेटी गठित किया। दूसरा सवाल ये रहेगा आपसे मेरा, आपसे जानना चाहूंगी कि कांग्रेस पार्टी आप पर ही कहकर आरोप लगा रही है कि बीजेपी की वजह से स्थिति यहाँ पैदा हुई है। देखिए, राजस्थान की जो आज की स्थिति है उसमें लॉ एंड ऑर्डर की तो हालत खराब है ही, लेकिन एक तुष्टीकरण की राजनीति के चलते हुए कांग्रेस के लोग जब भी कोई ऐसे मुद्दे आते हैं तब ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें करने लग जाते हैं। आज शांतिपूर्ण जो कार्यक्रम चल रहा था जहां तक मुझे जानकारी है और इस तरह के ये जो नव संवत्सर का कार्यक्रम है ये हमारा संगठन जनरल करता रहता है और इसमें अगर इस तरह की कोई घटना हो जाती है तो जो शासन करने वाला दल है उसका ये जिम्मेदारीपूर्ण बयान आना चाहिए कि हम इसकी जांच करा के उचित कार्रवाई करेंगे, उसके बजाय उनका ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह की बातों को बढ़ावा दे रही है बहुत ही चिंतनीय है। और आज राजस्थान की जो स्थिति है वो लॉ एंड कानून व्यवस्था के हिसाब से जो प्राथमिक कर्तव्य होता है किसी भी शासन का उसमें ये सरकार पूरी तौर पर फेल रही है। अलका जी, मैं आपको बयान बता देती हूँ क्या कुछ कहा है सीएम ने। प्रधानमंत्री को अपील करनी चाहिए कि जाति और धर्म के नाम पर जगह जगह ध्रुवीकरण हो रहा है, ये उचित नहीं है, इस कारण देश में जगह जगह तनाव हो रहा है। करौली की घटना आपके सामने है, आज ब्यावर में छोटी सी बात को लेकर झगड़ा हो गया, एक व्यक्ति की हत्या कर गई और बीजेपी ध्रुवीकरण कर रही है, ये बात कही गई है सीएम की तरफ से बीजेपी को लेकर। देखिए मुख्यमंत्री जी तो समय समय पर इस तरह के बयान देते हैं ताकि जो उनका फेलियर है वो कहीं नजर नहीं आए। बाकी जहां तक प्रधानमंत्री जी का सवाल है, आपने देखा भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों में इस तरह की घटनाएं नहीं होती है क्योंकि हम अपना शासन का जो प्राथमिक कर्तव्य होता है कानून व्यवस्था को सुचारू से चलाना पूरा ध्यान देते हैं और हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं। अलका जी, संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगी कमेटी काम कैसे करेगी, बस इतना बता दीजिए आप संक्षेप में। कमेटी वहां जाएगी, सारे जितने भी पक्ष हैं उनसे अपनी बात और उनसे पूरी घटना की जानकारी लेगी और तथ्यात्मक रिपोर्ट लेकर उसके आधार पर फिर उसकी पूरी रिपोर्ट बनाकर हमारे जो अध्यक्ष हैं उसको हम रिपोर्ट सौंपेंगे और उसके अनुरूप
ये प्रयास करेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था तो प्रशासन का काम है, लेकिन जो जातियों को और जो बांटने का काम तुष्टीकरण की राजनीति जो राजस्थान में चल रही है वो सफल नहीं हो पाए और समाज सब मिलजुल कर रहे। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए अलका जी, बहुत शुक्रिया। अब तक के सबसे असफल गृह मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साबित हुए हैं। अपनी विफलता से छुपाने के लिए करौली में जिस तरह दंगाग्रस्त इलाके में दंगाइयों ने दंगा किया, उससे पुलिस की विफलता बचाने के लिए हमेशा एक आरोप गढ़कर रखते हैं, ध्रुवीकरण हो रहा है और उसकी जिम्मेवारी ठहराते हैं भारतीय जनता पार्टी पर। मैं समझता हूँ जर्जर कानून व्यवस्था जिसे त्रस्त आम राजस्थानी इस पूरी बात को समझता है। मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि अपने कानून व्यवस्था पर निगाह डालें, दूसरों पर आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबाह में झांक कर देखें। आज नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट चीख चीख कर राजस्थान के अपराध और बढ़ते हुए अपराधियों के बारे में बयां करती है। राजस्थान महिला दुष्कर्म नंबर पर है। राजस्थान के अंदर अनुसूचित जाति समाज के लोग, जनजाति के समाज के लोग सुरक्षित नहीं हैं और अब जिस प्रकार साम्प्रदायिकता के नाम पर दंगाइयों ने पथराव किया, इससे बड़ी शर्मनाक घटना कुछ हो नहीं सकती।